क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें। हाँ, इसमें क्या जेम्स वेल एज दिसंबर ईयर एंड प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द ईयर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंस हेडिंग एंड कैलकुलेट द एनुअल चार्जेस टू इनकम स्टेटमेंट। ओके, अब इसमें दो टी अकाउंट्स बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक रेंट एक्सपेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज 172 एंड क्लोजिंग एक्रूवल इज 238। अच्छा, इनवॉइसेस टोटलिंग 697 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाते हैं, एक अलग अलग बनाएंगे। ओके, अच्छा इसका ओपनिंग बैलेंस है, एक्रूवल्स का ओपनिंग दिया हुआ है 172, तो ये ओपनिंग आ जाएगा क्रेडिट पे। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है 238, कैरी डाउन 238। अच्छा, इसके बाद इनवॉइसेस टोटलिंग 697 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स ये हमने पेमेंट्स कर दी 697 की। ठीक, तो ये एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे 697 से, और तो लिख देते हैं कैश या बैंक। ओके, अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल करें, ये बन रहा है 935। और इसमें से 172 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे करंट ईयर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितने आ रहे हैं, 777 77। ठीक है, कैलकुलेट एक्रूड है ना, लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर, 763। 763 हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद सेकंड हम बनाएंगे, सेकंड अकाउंट बनेगा रेंट का, रेंट एक्सपेंस। अच्छा, इसमें भी ओपनिंग एक्रूवल्स है, ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज 365, तो एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट पर 365। उसके बाद क्लोजिंग एक्रूवल्स है 28, एक्रूवल्स का क्लोजिंग आएगा डेबिट पे। इनवॉइस टोटलिंग 756 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पेमेंट्स हो गई, पेमेंट्स आ जाएंगी डेबिट साइड पर 756। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, ये डेबिट का टोटल आ गया 784, रिसीव क्या रिसीव हो रहा है, इनवॉइस है ना, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, इनवॉइस रिसीव, बिल आपको रिसीव हो रहा पेमेंट है है। हाँ, और आपने उसको पोस्ट कर दिया लेजर में, मीन्स तो पेमेंट हो गई है। अच्छा, अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने कितनी आ रही है, बोला 784 माइनस 365, 419 ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन ओके, रीड कर लें। जॉन सिमरल बिजनेस हैज एन अकाउंटिंग ईयर एंड दिसंबर 2001। He rents factory space at a rental cost of 5,000 per quarter, payable in arrears. अच्छा, payable in arrears means 3 महीने बाद पे करते। ठीक है। अच्छा, during the year to December 31, 2001, his cash payment has been as follows. अच्छा, इसमें opening balance नहीं है, क्योंकि उसने, ठीक है, direct payments है, closing balance आएगा, opening balance नहीं दिया आपको। इसमें बनाएंगे रेंट का अकाउंट, करंट अकाउंट बनेगा, यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले। करंट अकाउंट, अच्छा अब इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं पेमेंट से। पहले पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल को फॉर क्वार्टर टू 31 मार्च, मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च का रेंट 1 अप्रैल को पे हो रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रेंट एक्सपेंस डेबिट।
और कैश क्रेडिट, यहां लिख लेते हैं कैश। सेकेंड पेमेंट है 1 जुलाई को फॉर क्वार्टर टू जून 30, ये हो जाएगी अप्रैल में जून का रेंट 1 जुलाई को पे करते हैं, तो 5,000 फिर ये रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 5,000। के बाद फिर थर्ड पेमेंट हो रही है 2 अक्टूबर को फॉर क्वार्टर टू 30 सितंबर, 5,000 से फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 5,000, राइट। अभी हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अच्छा देखिए, लास्ट पेमेंट कब कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को, और ये कब तक की होगी, ये फॉर क्वार्टर टू 30 सितंबर। तब हमने सितंबर तक का रेंट पे कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या लगता है, फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर फॉर द क्वार्टर टू दैट डेट वॉज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी, तो हमने रेंट पे किया है सितंबर तक का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का रेंट एक्रूड हो गया, अनपेड है ना, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ्स का रेंट अनपेड है, एक्रूड हो जाएगा। अच्छा, अब एक्रूअल्स की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूअल्स क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और इसी को हम कर देंगे कैरी डाउन, ये हमारा एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ना। एक्सपेंस डेबिट हुए, ये अक्रूवल्स का क्लोजिंग, अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, टोटल आएगा 20,000 और बैलेंसिंग फिगर भी 20,000 आएगी, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जिसे हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। जी सर, आप इसमें हम करंट ईयर के चार्ज करेंगे ना, करंट ईयर के तो हमने 5,000 जनवरी तक की दे दी थी। नहीं कह रहा, फर्दर फर्स्ट पेमेंट हमने की है 1 अप्रैल को, ये किन मंथ्स की पेमेंट है, जनवरी फरवरी मार्च। सेकंड पेमेंट हो रही है 1 जुलाई को, ये है अप्रैल मई जून। थर्ड पेमेंट 2 अक्टूबर को, ये है जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का रेंट हमने पे किया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट अनपेड है। और वो कह रहे हैं कि आपने जो लास्ट फाइनल पेमेंट थी ना, ड्यू ऑन ड्यू कब हो रही है, 31 दिसंबर ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेमेंट आपकी ड्यू कब होगी, 31 दिसंबर को, वो कह रहे कि वो आपने 4 जनवरी तक पे नहीं किया, तो स्टिल अनपेड है। सर, हाँ तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अब हम क्या करेंगे, 31 को हम क्या एंट्री बनाएंगे, एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल्स क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 31, तो ये हमने 31 को रिकॉर्ड कर लिया उसको। अब मैं यहाँ देखें डेट वाइज लिखता हूँ, पहली पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल, मैं डेट लिखना भूल गया, 1 अप्रैल। सेकेंड पेमेंट हमने की 1 जुलाई, 1 जुलाई। थर्ड पेमेंट हम कर रहे हैं 2 अक्टूबर, अक्टूबर 2, ठीक। अब ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो दिसंबर 31 में हम एक्रूवल्स रिकॉर्ड कर लेंगे ना, और ये हमारा एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, डेबिट पे आ गया, और ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में ब्रॉड डाउन हो जाएगा 5,000, ठीक। तो करंट ईयर के एक्सपेंस हो जाएंगे 20,000 जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, और एक्रूवल्स होंगे 5,000 जो हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 और 3, 3 जो है वो 2 का ही कंटिन्यूएशन है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप देखें ऊपर वो सेम नाम था जॉन सिमनेल, यहाँ भी वही है, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर 31 दिसंबर 2002 जॉन सिमनेल रेंटेड चार्ज रिमेन द सेम एंड हिज पेमेंट्स वर एज फॉलो। हाँ, अब ये 2002 का जो क्लोजिंग बैलेंस था 5,000, ये 2,000, ये क्वेश्चन 3 में का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो राइट। अच्छा पहला हम लिखेंगे, देखें क्वेश्चन 2 में जो एक्रूवल्स का क्लोजिंग बैलेंस था वो क्वेश्चन 3 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे जनवरी 1, ये एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,000 बीडी। अब पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्स्ट पेमेंट हो रही है क्वेश्चन 3 में, वो जनवरी फर्स्ट पेमेंट अब कर रहे हैं हम 4 जनवरी को,
यहाँ पे ये रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जनवरी 4, रिसेप्शन में कैश आ जाएगा 5,000 से डेबिट। सेकेंड, 1 अप्रैल को पे कर रहे हैं, तो अप्रैल 1 5,000 डेबिट हो गए। सेकेंड जुलाई को पे कर रहे हैं 5,000, जुलाई 2, देन हम 4 अक्टूबर को पे कर रहे हैं 5,000, अक्टूबर 4 5,000, ठीक है। अब इसमें देखें जो लास्ट पेमेंट है, लास्ट पेमेंट कब की हमने, 4 अक्टूबर को पे किए, और ये कब तक का रेंट है, सितंबर 30 तक है ना, फॉर द क्वार्टर 2 30 सितंबर। तो अब वही होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट 3 मंथ्स का रेंट फिर एक्यूड हो गया, और नीचे मेंशन भी है द फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2002 फॉर द क्वार्टर टू दैट डेट वॉज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी। तो लास्ट क्वार्टर की पेमेंट एक्यूड हो गई, तो सेम एंट्री होगी इसकी, एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल्स क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और ये इसका बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ डेट आ जाएगी दिसंबर 31, ठीक है। ये लास्ट बिल हमने कब पे किया, 4 अक्टूबर को, और ये कब तक का है रेंट, 30 सितंबर तक का। ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर 31। लास्ट हमने रेंट पे किया सितंबर तक का, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का रेंट अनपेड है, ठीक। और यहाँ मेंशन भी है, देखें द फाइनल पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर फॉर द क्वार्टर टू दैट डेट वॉज नॉट पेड अंटिल 4 जनवरी। तो लास्ट क्वार्टर का रेंट एक्रीड हो जाएगा, और एक्यूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट एक्रूअल्स क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, और यहीं पे हमने इसको कैरी डाउन कर दिया, ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक। अच्छा, अब अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 25,000। 25,000 में से 5,000 माइनस कर दें, तो 20,000 आ जाएंगे आपके पास करंट ईयर के एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस जो हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेट। अब इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस चार्ज होंगे 20,000, और बैलेंस शीट में एक्रूड एक्सपेंस 5,000 से रिकॉर्ड हो जाएंगे एज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन फॉर है, कंपनी पावर सम ऑफ इट्स मशीनरी बाय गैस, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू द 30th जून ईच ईयर, ऑन July 1, 2005 देयर वाज एन एक्चुअल ब्रॉट डाउन इन द गैस अकाउंट ऑफ 650, बिल्स वर एज फॉलो। अच्छा, पहले से हमें एक्चुअल्स का ओपनिंग बैलेंस दे, ठीक है, अकाउंट्स वहां से कॉपी करते हैं फॉर्मेट। इसका हम गैस एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे, गैस अकाउंट। अब ये एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस है 650, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पर 650। इसके बाद अब ये पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, पहला बिल पे हो रहा है 15 सितंबर को 1,200 का, सितंबर 15 1,200 डेबिट हो गए। तो सेकेंड बिल हम पे कर रहे हैं 14 दिसंबर 14 दिसंबर 14 1750। थर्ड बिल हमने पे किया 18 मार्च 1695। फोर्थ बिल हम पे कर रहे हैं 14 जून 1560। ये हमारे 4 पेमेंट्स हो गई। ओके, अब हमें देखना है कि ईयर एंड पर एक्रूअल्स या प्रीपेड कितने। तो देखिए, लास्ट बिल हम पे कर रहे हैं 4 जून को, और ये कब तक का बिल है, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मई। तो मई तक का बिल हमने पे किया है जून में, और फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है इसका, ऊपर दिया हुआ है 30th जून, राइट। 30th जून को ईयर एंड हो रहा है, और लास्ट बिल हमने पे किया है 31 मई,
मार्च तक, मई माइनस तक का, 31 मई, और ईयर एंड हो रहा है इसका जून में, दैट मीन्स जून का बिल हमारा अनपेड हो गया, एक्रीड हो जाएगा ना। अब एक महीने का बिल एक्रीड है। अच्छा, वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन नीचे दिया हुआ है 30 जून, आ रीडिंग वॉज टेकन ऑफ द गैस मीटर, एंड एस्टिमेट चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जून वॉज कंप्यूटेड एट 480। तो 480 हमारे जून के एक्रुअल्स हो गए, अनपेड हो गए, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री वही होगी, एक्सपेंस डेबिट और एक्रुअल्स क्रेडिट 480, और इसको हम यहीं पे कैरी डाउन कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा जून 30 का। अब अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 6685। अब इसमें से ये ब्रॉड डाउन के 650 माइनस करें, 6035, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज होंगे 6035, और बैलेंस शीट में एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे 480 से एज अ करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, तो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जूली इज अ सोल ट्रेडर हु हैज बीन इन बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। एट 1 मार्च 2008 शी हैड एन एक्रुअल ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 12,000 इन रिलेशन टू रेंट। रेंट इज पेड एज फॉलोस। अब इसमें रेंट अकाउंट बनाते हैं, पहले ये कॉपी कर लूं फॉर्मेट। रेंट अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है आपका एक्रूड, है ना, एक्रूअल्स ब्रॉट फॉरवर्ड 1200, ये एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर 1200। आप पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट पेमेंट हो रही है 7 अप्रैल को 1500, अप्रैल 7 1500 डेबिट हो गए। नेक्स्ट पेमेंट है 9 जुलाई को 1950, जुलाई 9 1950 डेबिट। थर्ड पेमेंट हो रही है 6 अक्टूबर को 2250, अक्टूबर 6 2250 डेबिट हो गए। फोर्थ पेमेंट है 9 जनवरी को 1650, जनवरी 9 1650 पे कर रहे, ठीक। अच्छा, देखिए लास्ट पेमेंट हमने किए 9 जनवरी को, और वो है कब तक के लिए, फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2008। ये दिसंबर तक हमने रेंट पे किया। अच्छा, इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, देखिए स्टार्ट कब था, 1 मार्च, तो एंड होगा 28 फेब को, अभी यहाँ मेंशन भी है। प्रिपेयर द रेंट अकाउंट शोइंग द रेंट एक्सपेंस टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द ईयर एंडेड 28 फेब 2009। तो फेब में ईयर एंड हो रहा है, 20 फेब को ईयर एंड हो रहा है, लास्ट रेंट हमने पे किया दिसंबर 31 तक का, तो जनवरी और फेबर 2 मंथ्स का रेंट ड्यू हो गया, एक्रीड हो गया, अनपेड हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम 2 मंथ्स का रेंट हमारा एक्रीड है। अच्छा, यहाँ पर इसने अमाउंट मेंशन नहीं किया, पिछले क्वेश्चन से अमाउंट मेंशन कर दिया था एक्रूवल्स का। अब यहाँ पे हमें एक्रूवल्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, लिखते हैं एक्रूवल्स। अब इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट बिल होगा ना, लास्ट बिल कितना था, 1650, तो लास्ट बिल की बेस पर हम 2 मंथ्स के एक्रूवल्स एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 1650 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, अच्छा ये क्वार्टर का बिल था, क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, इसलिए 3 से डिवाइड किया तो 1 मंथ आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मंथ्स के एक्रूवल्स आ जाएंगे 1100। तो ये हो जाएंगे जनवरी फरवरी के एक्रूवल्स, ठीक। इसको रिकॉर्ड
तो जब भी क्वेश्चन में हाँ क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा तो वो हम लास्ट पेमेंट के बेस पर कैलकुलेट कर लेंगे। और अब ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्रूअल्स, तो एक्सपेंस डेबिट होगा और ये इसका कैरी डाउन बन जाएगा और डेट आ जाएगी Feb 28। तो ये अब याद रखिएगा, जब एक्रूअल्स गिवन नहीं होंगे तो हम लास्ट पेमेंट की बेस पर कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल करते हैं डेबिट साइड का, टोटल आ गया 8450, टोटल लिखेंगे 8450। अब इसमें से ये 1200 ओपनिंग बैलेंस माइनस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 7250, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस जो हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है दोनों में आ रहे हैं ना। देखिए ये 7250 तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होंगे और ये 1100 बैलेंस शीट में आएंगे एज अ करंट लायबिलिटी। दोनों फिगर्स आ रहे सेम नहीं है, सेम फिगर नहीं है, हैं, सेम क्यों होंगे? डेबिट क्रेडिट दोनों सेम है। नंबर अच्छा, अब सिक्स में हम बात करेंगे प्री पेमेंट्स की। अब सिक्स है क्वेश्चन फोर फाइव तक हमने एक्रूअल्स के एडजस्टमेंट किया, अब प्री पेमेंट के एडजस्टमेंट होंगे। अच्छा, अब सिक्स में ये भी वही दो अकाउंट्स बनेंगे, पहले एक इंश्योरेंस का, दूसरा रेंट का। तो मैं इसका ऊपर से फॉर्मेट पहले कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फर्स्ट अकाउंट बनेगा इंश्योरेंस का, सब गिवन क्या था, ओपनिंग प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट हो जाएगा 3675, 3672। अच्छा, एंड द क्लोजिंग प्री पेमेंट इज 4107, तो प्री पेमेंट्स का क्लोजिंग 4107। ये प्री पेमेंट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गए। अच्छा, इसके बाद आप क्या, इनवॉइसेस टोटलिंग 7295 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 7925 ये डेबिट हो जाएंगे 7925, पेमेंट्स हो गई, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 11597, 11597, इसमें से ये कैरी डाउन 4107 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास कितनी, 11597 माइनस 4107 7490, बैलेंसिंग फिगर, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक, और बैलेंस शीट में ये कैरी डाउन 4107 रिकॉर्ड होंगे एज अ करंट एसेट। अच्छा, ये इंश्योरेंस अकाउंट हो गया। आप सेकेंड हम बनाएंगे इसमें रेंट अकाउंट, तो क्या लिखे था, ओपनिंग प्री पेमेंट वॉज 3908, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 3908 डेबिट, एंड क्लोजिंग प्री पेमेंट इज क्लोजिंग प्री पेमेंट इज 2798, प्री पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस 2798। इसके बाद इनवॉइसेस टोटलिंग 19540 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर, टोटल पेमेंट्स हो रही है 19540, डेबिट हो जाएंगे 19540 और कैश लेंगे। अकाउंट टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 23448, 23448, इसमें से कैरी डाउन माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितनी, 2065
20,654 बैलेंसिंग फिगर, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस। ये हो गया हमारी बैलेंसिंग फिगर 20,650, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जैसे हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंस 2,798 रिकॉर्ड होगा एज अ करंट एसेट। नंबर सेवन, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन रीड कर लेते हैं। अच्छा, जॉन सिमेल पेज इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री एंड दिस इज पेड इन एडवांस, एडवांस पेमेंट हो रही है। हिज पेमेंट्स ड्यूरिंग 2001 फॉर द इंश्योरेंस एक्सपेंस वर एज फॉलो। इसमें बनाएंगे इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर लो ऊपर से। फॉर्मेट कॉपी करते हैं इसका। इंश्योरेंस अकाउंट, अच्छा ओपनिंग बैलेंस तो इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट्स है। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट हो रही है 1 जनवरी को फॉर 3 मंथ्स टू 31 मार्च 800। लिखते हैं जनवरी 1, ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे हमारे 800 से। सेकेंड पेमेंट हम कर रहे हैं 28 मार्च को फॉर 6 मंथ्स टू 30 सितंबर, ओके 1800। अब ये 6 मंथ्स की पेमेंट है, मार्च 28 तो टोटल कितना 1800 हमने पे किए, 1800 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पेमेंट हो रही है 2 अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च 1800, अक्टूबर 2, 1800 डेबिट हो गए। अब हमें देखना है इसमें कि प्रीपेड कितने हैं। अच्छा देखिए, लास्ट पेमेंट हो रही है 2 अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च, मार्च तक का रेंट इंश्योरेंस हमने पे कर दिया। ईयर इनकम बोल रहे हैं कैलकुलेट इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 एंड राइट ऑफ द इंश्योरेंस अकाउंट। तो ईयर एंड हो रहे 31 दिसंबर में, 31 दिसंबर को, और पेमेंट हमने की है 31 मार्च तक की। तो इट मीन जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्री पेमेंट हो गई। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो प्री पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, प्री पेमेंट्स तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 कर देंगे ना, तो 900 प्री पेमेंट्स आ गए। अच्छा, प्री पेमेंट्स की एंट्री क्या होगी, प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये 31 दिसंबर पे एक्सपेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31, नहीं एक्सपेंस अकाउंट तो हम एक्सपेंस के बना रहे ना, बस उस पे देंगे। हाँ, ये हो जाएगा 900 और ये बन जाएगा इसका कैरी डाउन। ओके, अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे 4,400, अब इसमें से 900 माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,500, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के इंश्योरेंस एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगे 900 एज अ करंट एसेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा कॉपी एक साथ कर लीजिएगा। हाँ, अब क्या देखें, क्वेश्चन 7 जो है वो क्वेश्चन 8 में कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, अब क्या, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2002 जॉन सिमनल इंश्योरेंस चार्ज रिमेन द सेम एंड हिज पेमेंट वर एज फॉलोस। इसमें इंश्योरेंस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले। अब इसका ओपनिंग बैलेंस लेंगे हम 1 जनवरी, तो प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 900।
अब पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट पेमेंट हो रही है 28 मार्च को फॉर 6 मंथ्स टू 30 सितंबर 2000 टू 1800 की। यहाँ लिखेंगे मार्च 28 डेबिट 1800 से। सेकंड पेमेंट हम कर रहे हैं अक्टूबर 6, 2 अक्टूबर फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च 1800। अक्टूबर 2, 1800 हमने पे कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, लास्ट पेमेंट हमने की है 2 अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च 1800। तो अब यहाँ पर ईयर एंड हो रहे हैं हमारा 31 दिसंबर को, और पेमेंट हमने की है मार्च तक की, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्री पेमेंट हो जाएगी। अगेन प्री पेमेंट है। अब प्री पेमेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, प्री पेमेंट्स 1800 इंटू 3/6 900 ही आ जाएगा। तो ये प्री पेमेंट्स हो गई। तो इसकी एंट्री होती है प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 900 से। डेट आ जाएगी December 31, और ये बन जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 4500। 4500 में सब ये 900 माइनस करेंगे तो बैलेंस एंट्री कर आएगी 3600, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट में 900 आ जाएंगे एज अ करंट एसेट। डेबिट 900 जैसे।